इसके बावजूद भीम आर्मी का अपने मामले में जोरदार विचार पहुंचते रहा। हमला किया गया ईंट पत्थरों के द्वारा। आप देख सकते हैं गेट को तोड़ने की कोशिश की गई और पुलिस प्रशासन और दलित समाज आमने सामने आप देख रहे हैं पुलिस ईंट पत्थरों के द्वारा हमला किया गया। यहां पर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने अलका बल प्रयोग किया, उसके बाद
आप देख रहे हैं काफी लोगों को चोट भी लगी है। आप ये देख रहे हैं, ये देखे, ये ईंट पत्थर आप देख रहे हैं, ईंट पत्थरों के द्वारा हमला किया गया। काफी पुलिसकर्मियों को चोट भी लगी। आप देख सकते हैं ईंट और पत्थर आमने आप देख रहे हैं, कुछ जो जिन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए थे उनको पुलिस पकड़ के लेके आई है। एक ऑटो को भी पुलिस पकड़ के लेके आई है। काफी ईंट पत्थर बरसाए हैं यहाँ पर और काफी पुलिस के जवानों को काफी चोटें भी लगी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारी संख्या में पत्थर यहाँ पे मौजूद है। ये है वो लघु सचिवालय का गेट जहां पर अभी थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी हुई। पुलिस और जो अभी कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले एक मर्डर हुआ था कापड़ो गांव से विक्रम का, तो उसको न्याय दिलाने के लिए और भीम आर्मी और उसके साथ में कई सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वीडियो चल रहे काफी घायल है भाई पुलिस कर्मचारी। बताया जा रहा है कि काफी पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, काफी पुलिस कर्मियों को चोट आई है। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे कंवर सिंह जी से। कमल सिंह जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करने की कोशिश। सर कितने कितने पुलिस कर्मचारी, कितने अभी औसत नहीं बता सकते, काफी पथरा हुए हैं पुलिस बल के ऊपर, औसत नहीं बता सकते अभी। टोटल नहीं बता सकते, हमारे काफी जवानों ने चोट है। हुआ कैसे? ये अचानक गेट तोड़ने लगे जवानों ने, कहीं भी गेट नहीं तोड़ना, उसके बाद जबरदस्ती उन्होंने हमारे साथ टकराव किया। अच्छा, ये हुड़दंग की आवाज आ रही थी, वो किस तरह की आवाजें थी? वो पत्थर की आवाजें थी। अच्छा, उससे पहले जो शोर शराबा हो रहा था वो क्या था सर? उससे पहले उन्हें ज्ञापन वगैरह देना था, वो मैं अपने अच्छी प्रकार को कोई किसी प्रकार का वो इससे पहले भी दिए है काफी बार। अच्छा, तो अचानक अभी इन्होंने ईंटें बरसानी शुरू की? हाँ, ये पीछे से ही, जहाँ तक मेरा आइडिया है, पीछे से ही पत्थरों का पहले से प्रबंध कर रहे थे। अच्छा, जो गेट पर पत्थर पड़े हुए हैं वो ऐसे पत्थर हैं जो पीछे से लाए हुए थे। सर, ये जो पत्थर हैं परी प्लान के हिसाब से था? हाँ, ये बिल्कुल परी प्लान के पत्थर है। आप जाकर चेक करिए, जहाँ चेनाई वगैरह चली हुई है वहाँ से टूटे हुए पत्थर डाले गए। कांच की बोतलें भी इसमें मिली हैं? हाँ, कांच की बोतलें भी है। मेरे पैरों में भी लगी है, मेरे जवान तो पता नहीं कितने घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों का व्यवहार तो शांतिपूर्ण चल रहा था, परंतु अचानक से जब गेट पे चढ़ने तो कैसे क्या हुआ? बिल्कुल, पुलिस कर्मचारियों व्यवहार अच्छा था, अच्छा करते आ रहे थे। इन लोगों के ने पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया। अच्छा, गलत व्यवहार किया पुलिस के साथ। जब आप लोग गेट पर चढ़ रहे थे, आप लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तभी वो हुड़दंगबाजी कर रहे, पथराव कर दिया? देखो, गेट पर या भारत बैरिकेड है उसको तोड़ने तो पुलिस को रोकेगी, उसके बाद पुलिस के साथ टकराव किया उन लोगों ने। क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी पुलिस की तरफ से? आगे अभी जारी है जी कार्रवाई, जाए सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। ये सर्च ऑपरेशन कर दिया है अपने, जो गए हैं यहाँ से पथराव हुआ है उनके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया? देखो जी, अभी हमारी कार्रवाई जारी है, कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। पुलिस अपनी कार्रवाई पे, आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद, आप देख सकते हैं भारी बल पुलिस बल यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना है, किस वजह से ये घटना हुई, क्या ऐसा क्या हुआ? ऐसा है, कुछ उपद्रवी आए थे, उन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव किया और पुलिस पार्टी ने उनको तितर बितर कर दिया है। अच्छा। बिल्कुल, अब माहौल शांतिपूर्वक है। ठीक है, कैसे हुआ, मतलब क्या पथराव, हुड़दंग हुई शुरुआत में या क्या हुआ? वो लोग शायद दरवाजा ऊपर गेट क्रॉस करना चाह रहे थे, तो हुआ क्या था ऐसा कुछ? उन लोगों ने आते पुलिस पर पथराव कर दिया, तो पुलिस ने उनको अड़का बल प्रयोग करते हुए तितर बितर कर दिया है। कितने पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, कुछ अनुमान? अभी हमारे 10-12 पुलिसकर्मी हैं, वे हॉस्पिटल में गए हैं, उनको चोटें लगी हुई हैं। तो लाठी चार्ज किया क्या, उसमें और लोगों को भी चोटें आई हैं? नहीं, ऐसा कोई ज्यादा लाठी चार्ज नहीं था, बस उनको यहाँ से भगाया गया है, ऐसा कोई लाठी चार्ज वगैरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई है। तो हल्का बल प्रयोग है? हल्का बल प्रयोग हुआ। आगे की क्या कार्रवाई होगी सर? कुछ नहीं, बस शांतिपूर्वक है, जो कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है। ठीक है सर।
आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन और ये दलित समाज से जितने भी यहां साथी आए हुए हैं सारे आमने सामने गेट को खोलने का प्रयास जारी। ये आज हॉस्पिटल से कापड़ों वाले केस के मामले में इन्होंने कहा था हम रोड शो करते हुए डीसी को ज्ञापन देंगे। पुलिस इनके साथ साथ चल रही थी, रास्ते में भी इन्होंने बार बार हर चौक के ऊपर रोड जाम करने की कोशिश की और जैसे तैसे करके यहाँ तक आ गए। यहाँ हमने गेट के ऊपर इनको रोक करके उनको भाई हम अधिकारियों को बुला लेते हैं, आप अपना ज्ञापन दे दो, कम से कम 10 मिनट का टाइम दो हमें। उन्होंने हंगामा किया, गेट तोड़ने की कोशिश की, मुलाजमों ने रोका तो उन पर पथराव कर दिया, काफ़ी पथराव हुआ, काफ़ी मुलाजमों को चोटें भी आई। उसके बाद जब पुलिस एकदम से इनके पीछे दौड़ी तो भाग गए कुछ बंदे। हमने राउंडअप अभी पता नहीं लगा है क्यों हम यहाँ मौके पर खड़े हैं, देख पता करके बताएँ। कम से कम 10-15 जवानों की चोटें आई हैं। मैं एडवोकेट बजरंग इंदल हिसारकोट से। बजरंग जी, क्या मामला था ये और जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों उस प्रोटेस्ट को करने की नौबत आई और लाठीचार्ज वगैरह हो गया, इसका क्या रीज़न है? देखिए, हिसार जिले के कापड़ गांव का मामला है जहाँ एक शेड्यूल कास्ट का युवक है और उसके बारे में ये है कि उसकी कथित तौर पर गाँव की कुछ लोगों ने हत्या की है। उस बारे में पारिवारिक लोगों ने पुलिस को काफ़ी सारे सबूत दिए हैं, लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम वगैरह करवाया तो उसके अंदर डॉक्टर की ओपिनियन के अंदर हत्या जैसा कोई मामला डॉक्टरों को नज़र नहीं आया और उन्होंने ओपिनियन में कहा कि एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है ये, लेकिन परिवार पुलिस के पोस्टमार्टम से और डॉक्टर के पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं हुआ और इसी कड़ी के अंदर वो लगातार पीड़ित परिवार और दलित संगठनों के लोग हिसार के सिविल हॉस्पिटल में पिछले 13-14 दिनों से धरना चला रहे हैं। आज उन लोगों ने, दर्जनों संगठनों ने मिलकर ये ऐलान किया था कि हम लोग हिसार में प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से डीसी साहब से ज्ञापन देकर गुहार लगाएंगे। और इसी मामले में आज सैकड़ों की संख्या में हिसार सिविल हॉस्पिटल से चढ़कर लघु सचिवालय तक शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शनकारी आ गए थे, लेकिन शाम को होते होते हालात काफ़ी बिगड़ गए और कुछ लोग अंदर आने की जिद करने लगे और डीसी साहब का 10 मिनट के अंदर मौके पर आकर ज्ञापन लेने की मांग करने लगे, लेकिन डीसी साहब बारिश के कारण या अन्य किसी कारण से वो नहीं आ सके तो प्रशासन जो प्रदर्शनकारी है उनके सब्र का बांध टूट गया और वो लोग गेट के ऊपर चढ़कर और प्रशासन को कोसने लगे। इसी बात में पुलिस ने अपना सब्र तोड़ते हुए उन पर लाठीचार्ज किया और सारे नहीं, सबसे पहले पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, वो वीडियो भी है, आप लोगों को भेज भी दी गई है और सब जगह चल रही, मीडिया के साथ भी वहाँ मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों पे पहले लाठीचार्ज किया गया था, प्रदर्शनकारी मौके से भाग गए थे, फिर वो लोगों ने उधर से पत्थरबाजी हुई है। इस बारे में जो पीड़ित पक्ष है, परिवार के जो लोग हैं, दलित संगठनों लोग हैं, वो इस बारे में बेहतर नीति बता पाएंगे, बना पाएंगे।